हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर सुष्मिता, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि कंटिन्यूअसली जो सी सेक्शन का रेट है वो ग्लोबली बढ़ता जा रहा है। एज पर WHO, सी सेक्शन रेट और सी सेक्शन यूज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आगे आने वाले कुछ सालों में या फिर यूं कहें कि 2030 तक ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ डिलीवरीज विल बी डन बाय द सी सेक्शन। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, why this trend is very popular nowadays। जिसमें सबसे पहले आता है आपका मेडिकल नेसेसिटी, मतलब कि जिसमें पेशेंट की हेल्थ या फिर उसकी एज फैक्टर को देखते हुए अक्सर करके सी सेक्शन को ऑप्ट किया जाता है ताकि मदर एंड बेबी दोनों की लाइफ को बचाया जा सके। इसके अलावा अगर कोई हेल्थ रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें आता है आपका ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा, ओवरवेट होने की वजह से भी नॉर्मल डिलीवरीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल फीटस, मतलब कि किसी को अगर ट्विंस या ट्रिपलेट्स हैं तो उन केसेस में भी कई बार नॉर्मल डिलीवरीज कर पाना बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर सकता है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए समझ में आता है कि सी सेक्शन इज द लाइफ सेविंग मेजर सर्जरी, बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं है। सो दिस इज द थिंग जो मैं समझाना चाहती हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा कि कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो लेबर पेन से या फिर जो उस समय पे दर्द रहता है उससे बचने के लिए भी कई बार सी सेक्शन को ऑप्ट करती हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत है क्योंकि इसे मेजर सर्जरीज में काउंट किया जाता है। इसी वजह से जो इसमें रिकवरी रेट होता है वो बहुत ही लंबा और बहुत ही चैलेंजिंग रहता है एज कम्पेयर टू द वजाइनल बर्थ। तो इसीलिए आज के डेट में जितने भी सी सेक्शंस होते हैं सारे के सारे उनमें से मेडिकल रीजंस की वजह से नहीं होते हैं। सो दे मोस्ट ऑफ देम आर विद द कंसेंट ऑफ मदर एंड देयर फैमिली, बट दैट विल बी द हार्मफुल फॉर बोथ मदर एंड द बेबी। सो द पॉइंट इज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल फीमेल्स टू बी एबल टू टॉक टू योर हेल्थ केयर एंड बी अ पार्ट ऑफ अ डिसीजन मेकिंग ऑफ देयर बर्थ and receiving the full information including the risk and the benefits. Emotional support is a critical aspect of the quality care throughout the pregnancy and the childbirth. Thanks for the watching. If you found this video informative, then do like, share and subscribe to my channel.